आदि आदि दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों की बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय, लेकिन हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी सीरीज को पूरा करते हुए चंद्रमा को अच्छा करने के वो 5 महा उपाय कौन से हैं। तो हमारे साथ बने रहे, और मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद जो आप लोग जो है हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं और उसे लाइक शेयर भी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा के बारे में, चंद्र देव के बारे में। नव ग्रहों में अगर हम 9 ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा जो है आपकी मन का, आपकी माता का, आपके धन का, आपकी यात्रा का और जल तत्व का कारक जो है वो माना जाता है। चंद्रमा जो है जल तत्व का कारक माना जाता है और नॉर्थ की दिशा को भी ये डिनोट जो है वो करता है। चंद्रमा है लिक्विड, लिक्विड यानी लिक्विड पैसा। जिन लोगों को हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, यानी कि उनके पास जो है वो पैसे टिक ही नहीं पाते हैं, तो उनके चंद्रदेव जो है वो खराब होते हैं। ऐसे लोग जो बार बार डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं, उनके चंद्रदेव जो है वो खराब होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं जिनके चंद्रमा खराब होते हैं, जैसे देखिए, जब भी हमारा जन्म होता है तो जब हमारे कुंडली के जो 12 खाने होते हैं उसमें चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो आपकी जो है चंद्र राशि जो है वो कहलाती है, और उसी से ही आपका जो है नाम रखा जाता है, वही आपकी बोलती भी राशि होती है। लेकिन चंद्रमा, कई लोगों का क्या होता है कि नाम कुंडली के हिसाब से उनका नाम जो है वो नहीं रखा जाता, लेकिन अगर उनको अपनी प्रेडिक्शन जो है अगर देखनी है तो उन्हें अपनी चंद्र राशि से या अपने लगन से जो है वो देखनी होती है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चंद्रमा अगर हमारा कमजोर हो गया तो आपकी माता को कष्ट आएंगे। आपके पास कुंडली नहीं है, आप देखिए आपकी माता का जीवन जो है वो कैसा रहा, बड़ा स्ट्रगल करने वाला रहा। आपकी माता का जीवन जो है बड़ा खुशहाल रहा, आपकी माता आपके साथ में बहुत प्यार रहा, या माता के साथ में आपके वैचारिक मतभेद रहे, उसी से पता चल जाएगा आपको कि मेरा चंद्रमा कितना अच्छा है और कितना खराब है। माता के साथ में अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो समझ जाइए आपका चंद्रमा जो है वो खराब है। और वो खराब कब होता है, या तो वो नीच का यानी कि वृश्चिक राशि में बैठ जाता है, और अगर वो उच्च का हो तो वो वृषभ राशि में बैठता है। चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है, वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है चंद्रमा। और चंद्रमा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, यानी कि मन चंगा तो सब कुछ अच्छा। तो वो कहते ना, मन चंगा, मुझे वो जो है वो याद नहीं आ रही है, मन चंगा तो सब कुछ अच्छा, ये जो है आपका ये एक सूत्र है कि अगर मन हमारा अच्छा है तो हर चीज हमें अच्छी नजर आती है, मन खराब है तो हर चीज में कमी नजर आती है। तो मन को अच्छा करने के लिए, फाइनेंस को अच्छा करने के लिए, माता का सुख पाने के लिए, हम चंद्रमा धन पाने के लिए, यात्रा का सुख अच्छा करने के लिए, हम चंद्रमा के कुछ ऐसे अचूक उपाय करेंगे जिनसे आपको पता लगेगा कि चंद्रमा जो है आपका दिन ब दिन जो है वो ठीक होता चला जाएगा। और देखिए, चंद्रमा के अच्छे प्रभाव जो है, जिन लोगों के चंद्रमा अच्छे होते हैं उनकी जो सोच होती है, जो उनकी कल्पना शक्ति होती है, वो बड़ी ज्यादा वाइड होती है। यानी कि ऐसे लोग जो है वो चीज नहीं सोच पाते जो आपके साथ वाले सोच पाते हैं, आप वो बहुत अच्छा सोच पाते हैं। आपकी इमेजिनेशन जो होती है, कल्पना शक्ति जो होती है, वो बहुत आगे तक जो है वो निकल जाती है। तो दर्शकों, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है 5 महा उपाय मैं आपको बताऊंगी कि जिनके करने से आपको जो है बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो पहला महा उपाय क्या है कि आपको अपनी माता का आशीर्वाद जो है हमेशा लेते रहना चाहिए। माता से आपने जो है चांदी की डिब्बे में चावल रखिए, माता से जो है आप थोड़ा सा शहद लेकर, अगर चंद्रमंगल का आपका योग है तो माता से शहद लेकर रखिए, क्योंकि चंद्रमंगल जब इकट्ठे होते हैं तो लक्ष्मी योग बनाते हैं। चंद्रमा जब केतु के साथ में होता है तो ग्रहण दोष बनाता है, राहु के साथ में होता है तो भ्रमित योग बना देता है, और चंद्रमा जब शनि के साथ में होता है तो विष दोष भी बना देता है। तो यहां पर आपने क्या करना है, माता से चांदी की डिब्बी में जो है चावल भर के रखे, और जो है माता से आप जो है प्यार से रहे, माता को गालियां ना दे, माता के साथ में प्रेम संबंध बनाकर रखें, माता के साथ में खुशहाल रहें।
और माता की सेवा करें। सबसे बड़ी बात है माता की जितनी सेवा करेंगे उतना चंद्रमा आपका चमकता चला जाएगा। चंद्रमा के अंदर कहते ना कि चंद्रमा मामा में एक छाया है, एक छाया है, एक बूढ़ी सी औरत नजर आती है। वो क्या चीज होती है? वो केतु का प्रतिबिंब होता है, जो हमें लगता है कि इसके अंदर कोई बुढ़ी माई जो है वो चरखा जो है वो कात रही है। ऐसी हमें देखते हैं हम चंद्रमा को जब निहारते हैं तो हमें ऐसा फील होता है। तो हम बड़े बचपन में कहानी के सोचते थे चंदा मामा जैसे प्यारा मेरा मामा या मेरी माँ। तो एक मामा वाला जो चंदा मामा वाला गाना है, तो अपने माँ की अगर अपने माँ के भाई की सेवा करेंगे, अपने मामे की सेवा करेंगे, तो भी आपका चंद्रमा जो है वो अच्छा होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आपको दूध से नहाना चाहिए। दूध में थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी एक बाल्टी ले, उसमें थोड़ा सा आधा गिलास दूध डाले, एक चुटकी हल्दी डाले और बाल्टी का पानी जो है वो पूरा बकेट को फुल कर लीजिए और उससे नहाना शुरू कर दीजिए। मात्र 11 दिनों में, 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट आएगा। मात्र 11 दिनों में आपका जीवन आपको परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। मन अच्छा होगा तो ही सारी चीजें अच्छी होंगी। मन अगर अच्छा नहीं होगा तो चीजें अच्छी नहीं होंगी। ध्यान से सुनिएगा बात को। तीसरा महा उपाय, दूसरा मैंने आपको बता दिया गंगा जल से, और थोड़ा सा उसमें गंगा जल, थोड़ा दूध, थोड़ा चुटकी हल्दी आपने डालनी है। तीसरा महा उपाय, आपने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपने कच्चा दूध या कच्ची लस्सी बनाकर आपने जाके शिवलिंग पर जाके चढ़ानी है। सोमवार के सोमवार चढ़ाइए या 11 सोमवार चढ़ा दीजिए या 11 दिन लगातार कीजिए। ये 11 दिन जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 को एक और एक को मिलाकर बनता है 2, जो नंबर है चंद्रमा का। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए चंद्रमा के नंबर यानी 11 दिन तक आप ये जो है उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा महा उपाय आपने क्या करना है, ऐसी बुजुर्ग औरतें जो मंगलवद का रूप होती है, जैसे कि विधवा औरतें होती हैं, विधवा औरतों को अगर आप कुछ खाने के लिए देते हैं, विधवा औरतों को दूध का इंतजाम करवाते हैं, किसी ऐसी महिला जो विधवा भी हो और जो बूढ़ी भी हो, तो ऐसी महिला का आप दूध का इंतजाम करवाना शुरू कर दीजिए। रोज उसे आधा किलो की थैली दे दीजिए या उसके महीने का दूध का बिल आप भर दीजिए, आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया होगा। देखिए ये भी ना हो कि अपनी माता को तो दूध पिला नहीं रहे हैं एक गिलास और जाके बाहर जो है वो दूध दे रहे हैं, इससे भी हमें पाप ही लगता है। तो भगवान कहते हैं पहले अपने घरवालों के लिए तो कर ले, अपने सगे भाई के लिए तो कर ले, बाद में दियो बाहर। समझ में आई? तो यहाँ पर जो है अपनी माता को एक गिलास अगर आप दूध देते हैं और उसमें केसर डाल देते हैं तो सोने पर सुहागा, और उसे रोज जो है आप ये दूध जो है माता को 11 से 12 के बीच में या शाम के बीच, शाम को अंधेरा होने से पहले पहले माता को एक गिलास दूध जो है वो जरूर देकर ऑफिस जाएं, या ये जो है अपनी ड्यूटी लगा लें कि आपने माता को दूध देना ही देना है, तो उसको आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। घर में कोई सी भी चांदी की वस्तु हमेशा अपने पर्स में डाल के रखें। चांदी का चुकोर टुकड़ा, स्क्वायर पीस, चांदी की गोली या चांदी का चुकोर टुकड़ा या गले में चांदी का लॉकेट हमेशा अपने पास रखें, या फिर आप उसे अपने पर्स में रखें या अपने लॉकर में या अपनी तिजोरी में या अपने गले में उसको रखें। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, चोट एक्सीडेंट के योग भी खत्म होते हैं और आपका मन भी जो है वो अच्छा रहता है। चंद्रमा कहीं आपका खराब है तो आपने क्या करना है, ऐसे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, आपने देखा होगा जब भी पूर्णमासी आती है, अमावस्या आती है, तो जब समुद्र में उस टाइम पीरियड पे समुद्र में जो टाइड्स होती है, टाइड्स जो सी में टाइड्स आती हैं, तो वो वेव्स आती हैं, तो बड़ी ऊंची 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 हो जाती हैं। ऐसे ही जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं या मेंटल असाइलम में लोग होते हैं, पागलखाने में जो लोग होते हैं, उनका दिमाग आप उस पर स्टडी करेंगे ना तो आपको पता चलेगा जो लोग पागलखाने में होते हैं ना उनके दिमाग की तरंगे भी जो इस टाइम पीरियड पे पूर्णिमा पर और अमावस्या पर जो है ना बड़ी ज्यादा उनका बिहेवियर जो होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे जो, देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो पागल हैं, आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे जिनका दिमाग जो है वो पूर्णमासी और अमावस्या पर डिस्टर्ब हो जाता होगा, तो उनके ऊपर भी चंद्रमा के नेगेटिव इफेक्ट जो है वो है, आप इसे पहचान सकते हैं। अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से सारा काम खराब कर लेना, अपनी वाणी पे कंट्रोल न रहना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना करना, फिर बाद में सॉरियां मांगते रहना, बाद में पैर पकड़ लेना, तो क्या फायदा उस चीज का? इतनी तो हमें समझ होनी चाहिए। और चंद्रमा जिसका खराब होता है ऐसे लोग इमोशनली बहुत 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 वीक होते हैं, वो बात बात पे रोने लग जाते हैं,
बात बात पे रोने लग जाते हैं, बात बात पे माफिया मांगने लग जाते हैं, फिर उसके बाद शराब पी लेंगे। चंद्रमा आपको पता है कि नशे कौन सा ग्रह करवाता है? लोग कहते हैं शनि करवाता है, कोई कहता है राहु करवाता है, कोई कहता है केतु करवाता है। सभी प्रकार के नशे जो है वो चंद्रमा उसे देखते हैं। हाँ, स्मैक का नशा है या गांजे का नशा है तो वो राहु केतु भी कराते हैं, लेकिन शनि राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन वहां पर भी चंद्रमा कहीं ना कहीं इन ग्रहों से पीड़ित हो रहा होता है या चंद्रमा नीच का होता है, डिस्टर्ब होता है। क्योंकि देखिए, नशे करने के लिए अगर आपके माइंड पर कंट्रोल है, माइंड अगर आपका स्ट्रांग है, तो आप नशे नहीं करेंगे, आप उस चीज से ओवरकम हो जाएंगे। बार बार हमारा मन ही तो है जो कहता है यार कर ले नशे, कर ले शराब, पी ले आज तो, पी ले आज तो, पी ले कल से छोड़ दियो, आज पी ले आज पी ले आज पी ले, करता है ना आपका मन। तो ये मन क्या है हमारा? कंट्रोल नहीं है। तो लोग कहते हैं ना शराब का नशा छुड़ाने के लिए कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा उपाय करो। अरे भैया, चंद्रमा को मजबूत कर लीजिए, शराब के नशे अपने आप ही हट जाएंगे। तो चंद्रमा को मजबूत करने के मैं आपको इतने सारे उपाय बता रही हूं। अगर आपका मन मजबूत, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहती है। ऐसे लोग भीड़ में भी अकेले नजर आते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं अपनी चंद्रमा की रोशनी से इतने ज्यादा सुंदर से होते हैं, इतना उनका प्यारा सा फेस होता है, और ऐसा लगता है कि उनके फेस पे लाइट से चमक रही है, लाइटिंग होती है उनके फेस पे। तो लाइटिंग क्या होती है? वो चंद्रमा की लाइटिंग आपके फेस पे होती है। और अगर जो उसमें ग्लो भी आ जाए और बड़ी सुंदर सा कोई, आप कैसे किसी कई कई लोगों को आप देखते हैं तो आप कहते हैं इसके इसके फेस पे चमक कैसे है, तो वो चंद्रमा का इफेक्ट होता है, वो शुक्र का इफेक्ट होता है। और रेडनेस भी आ जाए, रेडिशनेस भी आ जाए, तो वो मंगल का इफेक्ट होता है आपके फेस पर। चंद्रमा आपके धन का कारक है। चंद्रमा को अच्छा करेंगे तो धन आएगा, चंद्रमा को अच्छा करेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा आजकल की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक और चंद्रमा का उपाय मैं आपको बता रही हूँ। देखिए किस देखिए चंद्रमा से ही आपको जो है ना साढ़े साथी लगती है, और चंद्रमा से ही साढ़े साथी लगती है, और साढ़े साथी में हमारा क्या होता है कि हम अर्श से फर्श पे आ जाते हैं, और फर्श से हम अर्श पे चले जाते हैं जब हमें साढ़े साथी लगती है। साढ़े साथी में चंद्रमा यानी हमारा मन जो है वो कमजोर हो जाता है, हम जो है अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते, और ऐसे गलत गलत डिसीजन ले जाते हैं जिससे हमें बाद में जाकर जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए और क्या करना है? जो ऐसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको आपने क्या करना है, ऐसे बच्चों की सेवा करनी है, कुछ बिस्कुट्स खिलाने हैं उनको, कम मीठे वाले, जैसे मैरीगोल्ड के बिस्कुट होते हैं। मैं कुत्तों के लिए भी आपको ये बोलती हूँ कि कम मीठे वाले बिस्कुट डालिए। लोग जो है ना पार्ले जी खिलाते रहते हैं। कुत्तों को मीठा खिलाने से एलर्जी हो जाती है, और मंगल का रूप होता है मीठा, और कुत्ते जो है वो केतु होते हैं। हम केतु से वो मंगल की नेगेटिविटी को हटाते हैं। आप लोग जाकर फिर जाकर कुत्ते को बिस्कुट खिलाकर अपने जीवन में फिर वही गलतियां कर लेते हैं। और सबसे बढ़िया उपाय जो है आपका ये है कि आप मेंटली रिटार्डेड बच्चे और जो पागल खाने के अंदर कुछ सेवा अगर आप अपनी कर सकते हो, पिंगलवाड़ा जो होता है, पागल खाना जो होता है, और जो लोग मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनकी भी आप मदद कर सकते हैं। किसी प्रकार से उनकी मदद कीजिए, उनको एजुकेट करने मदद कीजिए, उनकी राशन की पानी की व्यवस्था कीजिए। आप मेंटली रिटार्डेड बच्चों के जो वो होते हैं, उनको कीपिंग हाउसेज होते हैं, वहां पर जाकर आप उनकी सेवा कर सकते हैं, कुछ अपने योगदान दे सकते हैं, पैसों से मदद कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक हो वैसा कीजिए। कि आपके घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा रहता है उसको कुछ ना कुछ देना शुरू कर दीजिए। ऐसे कई गरीब भी दिखते हैं कि आपको लगता है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है बेचारा, उसके वो कर कीजिए। और अपना ऐसा कोई व्यक्ति, अपना कोई ऐसा दोस्त, ऐसी कोई आपकी सहेली, ऐसा कोई आपका मित्र जो बेचारा दिमाग से जल्दी परेशान हो जाता है, उसके साथ में दो मीठे बोल बोल देना भी आपका चंद्रमा को आपको मजबूत करता है। उसको थोड़ी सी सांत्वना दे देना, उससे अच्छी तरह से बात कर लेना, जो भी वो अभी आपके चंद्रमा को मजबूत जो है वो करता है। और लास्ट उपाय, पांचवा महा उपाय कौन सा है ये जरूर नोट कीजिए। जिन लोगों को साढ़े साथी चल रही है, जिन लोगों की कंटक ढैया चल रही है, जिन लोगों की परेशानी चल रही है, शनि राहु केतु का दृष्टि संबंध है, कुछ भी चंद्रमा के साथ में है, तो आपको अपनी माता के घुटनों पर आपने अलसी का तेल लगाकर मालिश करनी है 108 दिन। करके देख लीजिए, कोई आपको किसी किताब में किसी एस्ट्रोलॉजर से ये उपाय आपको नहीं मिलेगा। ये उपाय मैंने लोगों को करवा कर देखा, और उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स आए ना, वो तो आप सोच भी नहीं सकते, वो आप सोच भी नहीं सकते जो इसके रिजल्ट आए हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आपको ये उपाय नहीं मिलेगा, किसी बुक में ये उपाय नहीं है,
और अगर आपने ये उपाय कर लिया ना तो आपके जीवन में जो चमत्कार आएगा वो आप सोच नहीं सकते। और शिवलिंग पर बर्फ चढ़ाइए, ये मैं आपको कितने सालों से ये उपाय बता रही हूँ। शिवरात्रि पर भी मैंने आपको बताया था कि बर्फ का उपाय चढ़ाने, बर्फ चढ़ाने से शिवलिंग पर बहुत हमें शांति मिलती है और चंद्र जो है वो ठंडक का रूप है, जब ठंडक आती है तो बहुत बढ़िया रहता है। आप अपनी माता के घुटनों पर, घुटने जो होते हैं उस पर अलसी का तेल लगाकर ऐसे 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 करके मालिश कीजिए, ऐसे ऐसे करके मालिश कीजिए, 108 दिन कर लीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, वो आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, आपकी भावना है। और जब हम मन से उपाय करते हैं तो जन्मों जन्मों के कष्ट पाप और सारी चीजें हमारी दूर हो जाती है, हमारे जीवन में सुधार आता है। हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हम काम कुछ नहीं करते हैं, तो अपने जीवन में चमत्कार लाना चाहते हैं तो चंद्रमा का उपाय ये है। और अपनी माता के साथ में, अपनी माता के साथ में किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया। अपनी माता को ले जाकर किसी पवित्र नदी में स्नान कर लीजिए, अपनी माता को तीर्थ करवा दीजिए, चंद्रमा आपका बहुत 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 बढ़िया हो जाएगा। और एक और उपाय, और आपने जो है चंद्रमा की रोशनी में पूर्णमासी के दिन जाना है कि ओम चंद्रशेखर, ओम चंद्रशेखर। जिस प्रकार से आपने पूरे ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से चमका रखा है, जिस प्रकार से आपने पूरे ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से चमका रखा है, ऐसे ही थोड़ी सी चमक मेरी जिंदगी में भी आ जाए और मेरे जो आसपास के लोग हैं वो भी आपकी चमक से जो है वो चमकते नजर आए आपको। और ये चमक जो है मेरे ख्यालों में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में और मेरे शरीर में और मेरे कार्यों में भी आपकी ऐसी चमक आ जाए। और ओम ओम चंद्रशेखर का नाम लेते हुए आपने जो है थोड़ी सी बर्फी जो है आपने चढ़ा देनी है और जल जो है वो थोड़ा सा अर्घ जो है आपने चढ़ा देना है चंद्रशेखर को देखते हुए। और ओ चंदा मामा, कुछ भी कह सकते हो, चंदा मामा और मेरे मामा, तो आप जो है मेरे जीवन में चमत्कार लेकर आए। और ये है आपके चंद्रमा के 5 मैंने आपको वहां उपाय दिए थे मैंने, लेकिन मैं आपको बहुत सारे उपाय बता चुकी हूँ, तो करके देखें। बस सुन सुन के कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। और जो जो लोग ये उपाय करेंगे ना, इसमें से कौन सा उपाय आप करेंगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैंने ये जो उपाय ये शुरू कर दिया। और आप देखेंगे कि अपने गुरु को आप बोलेंगे ना जब ये उपाय, तो आपके गुरु के दिल से जो दुआएं निकलेंगी आप लोगों के लिए, वो आपके लिए कैसी, आपके लिए क्या, आपके धन की वर्षा अपने आप घर बैठे बैठे होने शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं साक्षी ठाकुर आपको अंत में यही बोलूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और बहुत सी सीरीज में आपके लिए लेके आ रही हूँ। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।